अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हांची से बात करूं या नहीं? नाहर, जब तक आंटी आ रही है चलो ना एक फोटो ले लेते हैं। अग्नि, मंदिर में सच्चे दिल और श्रद्धा से पूजा की जाती है, फोटो नहीं ली जाती। नाहर, डोंट बी सो बोरिंग, एक फोटो प्लीज। अग्नि भैया, बस एक फोटो ले लेते हैं ना। ठीक। मैं यहाँ मंदिर में हूँ, मुझे बाकी के पैसे अभी चाहिए। क्या हुआ अग्नि, तुम रुक क्यों गई? लो फोटो। नाहर सही कह रहा है, मंदिर में ऐसे फोटो लेना गलत है। अब मैं आती हूँ, दो मिनट, कुछ काम है जरूरी। सोनी जी, ऐसे परिक्रमा के बीच में आपको रोक रही हूँ, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। क्या बात है, आप नाराजगी है क्या कोई? सुनी जी, आरती के वक्त भी मैंने देखा था कि आपने मुझे देखकर ऐसे मुंह फेर लिया जैसे मुझे जानते ही ना हो। ऐसी क्या गलती हो गई हमारी रूही से जो आप ऐसे नाराज हो गई? आप अपनी पोती के बारे में तो रह नहीं दीजिए। गलती मेरी है, मुझे पहले ही आपकी बात मान जानी चाहिए थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि रूही जैसी दिखती है ना वैसी बिल्कुल नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप सुनी जी, मैं समझी नहीं कुछ। ऐसी कौन सी गलती कर दी हमारी बच्ची ने जो आपने उसे उठाकर मायके भेज दिया? क्या मतलब, रूही ने आप लोगों से ये कहा कि मैंने उसे भेजा है? ऐसा उसने कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा। रहने दीजिए, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। पूनम जी, आपकी पोती बहुत बड़ी महारानी हो गई। मैंने उसे दो शब्द क्या कह दिए, वो मुंह फुलाकर बैग उठा के अपने मायके चली गई। ये क्या बोल रही है आप सोनी जी? मतलब रूही अपने मर्जी से मायके? बहुत, बहुत बहुत गलती करी है उसने, बहुत बड़ी गलती करी है। मैं आप फिक्र मत कीजिए, मैं ना रूही को घर जाकर अच्छी तरह से समझाऊंगी, बल्कि उसे डांटूंगी इस बात के लिए। आप देखिएगा और फौरन आपके पास भेजूंगी। कोई जरूरत नहीं है, रूही अपनी मर्जी से गई है ना, लेकिन वापस हमारी मर्जी से आएगी। उसे बहुत शौक है ना अपने मायके जाने का, अब रहे अपने मायके में जी। हे भगवान, रूही वापस मायके आ जाएगी मेरी छाती पर मुंह दलने के लिए? इसको तो मैं बताती हूं। मुझे नाहर जी से बात करनी है। रूही, क्या हुआ पिंकू भैया? तू चल मेरे साथ। और क्या हुआ? रूही यहाँ है, नाहर यहाँ है, दोनों परिवार यहाँ है। गुरु माँ को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने इसको देख लिया तो? बेटा, तुमने इतनी बड़ी बात हम सब से छुपाई क्यों? वो तो अच्छा हो प्रतीक के पापा, जो सोनी जी से मेरी बात हो गई और मुझे सच का पता चल गया। वैसे एक बात कहूँ, आप बिल्कुल सही कहते, ये रूही डिट्टो चिता पर गई है। जैसी वो थी दादी, जो कहना है आप मुझे कहिए, पर प्लीज मम्मी को बीच में मत लाइए। प्लीज उनको कुछ मत कहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। और मैंने नाहर जी से बात करने की कोशिश की थी। अरे क्या खाक कोशिश की थी तुमने? बस मुंह उठाया और मायके चली आई और ऊपर से झूठ भी बोलने लगी हो। हमसे ये कहा कि तुम्हें हमारी याद आ रही है, बहुत गलत किया है तुमने, जबकि दरअसल तुम अपने घर वालों से नाराज होकर अपने मायके आई थी। दादी, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने नाहर जी से वादा किया था कि मैं मम्मी जी की हर बात मानूंगी। तेरी सास ने तुझे घर से जाने के लिए कहा था क्या? नहीं दादी जी,
उन्होंने मुझे कहा नहीं था, लेकिन लेकिन क्या बेटा, मेरे सभी बच्चों में तुम सबसे समझदार हो और तुम इस तरह से चली आई। बेटा तुम तो जानती हो कि रिश्तों की डोर कितनी नाजुक होती है और तुमने बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से रिश्ते तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था बेटा। मैं पूरे समाज में क्या बन, तुम्हारे हाथ का पानी पीकर कहीं मेरे सुहाग को कुछ हो ना जाए। पानी लेकर जल्दी, ये लीजिए पानी। बहुत तमाशा हो गया, बहुत। तुम मेरे घर सिर्फ अपना सामान लेने आओगी, उसके अलावा तो तुम आना भी मत, और अपने दादू के आसपास मंडराने की कोशिश भी मत करना। अपने ससुराल में जाओ, अपने रिश्ते संभालो, मेरा घर मैं देख लूंगी। मैं क्या करूं कान्हू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपने रिश्ते सुधारूं, कैसे उनको ठीक करूं? क्या तुम हमें अपना पति बेचोगी? कृष्णा, तुम्हारा भला तुम्हें हमारी बहन बार बार क्यों दिखेगी? तुमने उसका क्या बिगाड़ा? तुमसे कैसी दुश्मनी उसे? हमसे दुश्मनी नहीं होगी तो किससे होगी, क्योंकि हमने उसे मारा है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9:30 बजे। आज माँ सरस्वती का दिन है, दिल से जो मांगोगी माता स्वयं तुम्हारी जबान पर आकर उसे सच कर देंगी। साथी जी, आपने तो वो मोर पंख देते वक्त भी कहा था कि वो मोर पंख मुझे रास्ता दिखाएगा। नाहर जी के पास है, मतलब ये माँ का कोई इशारा है कि मुझे नाहर जी के पास जाना चाहिए। नाहर जी, नाहर और मेरा परिवार भी यही है। इसका मतलब वो इंसान भी यही होगा जो गुरुमा से मिला हुआ है। ऊपर से मेरा मोर पंख भी नाहर जी के पास है। इसका मतलब ये माँ का इशारा है, मुझे मेरे सवालों के जवाब, मेरा सच मेरे घर पर ही मिलेगा।
किसी बहाने मुझे मेरे घर वापस जाना ही होगा। नार बेटा तुम आ गए। अग्नि बोलो खाटू जी महाराज की जय। अरे आप सब भी आ गए, मैंने आप सबको आरती से परेशान कर दिया ना। अरे अग्नि बेटा, आरती से कभी कोई परेशान होता है क्या? अच्छा किया जो तुमने सुबह की आरती कर दी। ये लीजिए आरती लीजिए। अग्नि बेटा आगे से जब भी आरती करना सर पे पल्लू ले लेना, बिना पल्लू के आरती करना अच्छा नहीं होता। सॉरी आंटी, आगे से ध्यान रखूंगी। नहार अग्नि, तुमने खाटू जी को भोग नहीं चढ़ाया? सॉरी आंटी, भोग के बारे में तो मैं भूल ही गई, मैं अभी चढ़ा देती हूँ। रूही भाभी तो अपने हाथों से भोग बनाती थी और इतना टेस्टी भोग बनाती थी खाटू जी भी खुश हो जाते थे। अफनी जी बस। अरे मिश्री का प्रसाद भी खाटू जी को पसंद है। कोई बात नहीं अम्मी, अगली बार जब भोग लगाओ ना तो ध्यान रखना। जी दादी जी। और अग्नि ये तुम ये पूजा वगैरह कब से करने लगी? तुम्हें तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही सोचा कुछ कर दूं, सोनी आंटी की मदद हो जाएगी। देखो पूजा करना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो छोटी माँ भी कर लेंगी। देखो अगर उनकी मदद करनी है तो किचन में खाना बनाने में कर दो, वैसे भी कुछ ही दिन काम करना है तुम्हें, एक बार रूही आ जाए तो वो सब संभाल लेंगे। मैं तो नहार और पूरे परिवार को इम्प्रेस करने चली थी, लेकिन मेरा ही पोपट हो गया। पता नहीं ये रूही इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेती थी। खैर जो भी हो जाए, मैं रूही को वापस घर तो नहीं आने दूंगी। अगर रूही इस घर में वापस आई ना तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने, तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? तेरे घर में सच में कोई है जो गुरुमा से मिला हुआ है? रूही मेरे यकीन कर, किसी ने तो वो मेकअप की मोटी लहर अपने पैर में लगाई थी उस निशान को छुपाने के लिए। रूही सिर्फ मेरे कमरे में नहीं गई थी बेटा, वहाँ इसने छानबीन भी की है। कल से दादू की तबीयत भी ठीक नहीं, मम्मी जी ने नहार जी को बोला है कि अगर मैं घर आऊँगी तो वो घर से चली जाएंगी, इसलिए नहार जी ने मुझे फोन भी नहीं किया है। Thank you.
पेंटिंग यहाँ किसने रखी? कैसी लगी? ये पेंटिंग आप लाई है? मैं लाई, लेकिन ये पेंटिंग बनाई है मेरी प्यारी पोती पिंकू ने। पिंकू जी ढंग से सीधी लाइन तो खींच नहीं पाते, ये पेंटिंग कैसे बना दी उन्होंने? लेकिन आपके पोते पिंकू ने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई? मलिष्का जी, हो सकता है आपका चेहरा मेरे पिंकू की आंखों में फंस गया, हो सकता है आप मेरे पिंकू के ख्वाबों में आ रही हूँ, और इसलिए उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए साक्षात बना दिया आपकी पेंटिंग। दादी जी तो मुझे पूरा इंप्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। मलिष्का जी से पूछ लेती कि उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, फॉरेन से आई है तो क्या पता उन्हें इंग्लिश ब्रेकफास्ट की आदत हो। आपको आई मेरे पिंकू की बनाई हुई ये पेंटिंग पसंद? ठीक ही है, आई मीन इतनी बुरी भी नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत बेकार कलर्स का यूज किया गया। अब ये देखिए मेरे बालों को और मेरी नाक, नाक भी ठीक नहीं है। एनीवेज, इसमें आपके पोते पिंकू की कोई गलती नहीं। अब मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि मेरी पेंटिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब आपके पोते पिंकू ने अगर इतनी मेहनत की है तो मैं इसको रख लूं। थैंक यू। मलिष्का जी, आप नाश्ते में क्या लेंगी? आपके लिए क्या बना दूं? बेटा तुम ना नाश्ते का क्यों पूछने आ गई? नाश्ता मैं पूछ लूंगी, तुम जाओ जाकर आगे का काम देखो, बहुत काम है। जी दादी। वैसे आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? रूही, कप्पे बाद में मार लेना, अभी जाकर काम कर लो, इतना इतना सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ जाओ। जी दादी। कहीं रूही बता देती कि पेंटिंग उसने बनाई है तो सब गड़बड़ हो जाती। मैं आपके नाश्ते का देख लेती हूँ। मैं पिंकू से कहूंगी ये अगली बार जो आपकी पेंटिंग बनाए ना उसमें सबसे महंगे रंगों का इस्तेमाल करें। ये वाली रखने के लिए थैंक यू। और रोई दीदी, मुझे पता है कि ये पेंटिंग आपने बनाई है और सच में बहुत प्यारी बनाई है, कि मुझे दादी जी से झूठ बोलना पड़ा। मैं भी तो देखूं कि दादी जी मुझे इंप्रेस करने के लिए और ना जाने कितने कितने झूठ बोलती हैं। हाँ ये ले जा, पता नहीं नहार कब नीचे आएगा, उसको भी तो पता चले मैं आपकी इस घर की कितनी सेवा कर रही हूँ। अग्नि, इस घर की बहू बनना है ना तो सिर्फ नहार को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी है, सचमुच दिल से सेवा करनी होगी। हाँ दादी, मैं वो भी कर दूंगी, पहले जिसको इम्प्रेस करियो वो तो इम्प्रेस हो जाए। बटन कैसे टूट गया? अब शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। नहार बेटा, इसमें शर्ट बदलने की क्या जरूरत है, बटन ही तो टूटा है। मैं सिल देती हूँ। अरे नहीं नहीं दादी, मैं छोटी माँ को बोल दूंगा। पर नहार, सोनिया आंटी तो बाहर गई हैं। बेटा इसमें सोचना क्या है इतना, मैं लगा देती हूँ ना। अग्नि तुम खड़े खड़े मुँह क्या देख रही हो, जाओ जाकर सुई धागा लेकर आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ। नहार आओ बैठो। ये लीजिए दादी। सॉरी बेटा, मुझसे नहीं हो रहा, तुम अग्नि से करवा लो।
ये लो। जी अग्नि थोड़ा जल्दी प्लीज। बस दो मिनट। अग्नि मुझे लेट हो रहा है, तुम रहने दो, मैं शर्ट ही चेंज कर लेता हूँ। इट्स ओके। डल गया नहर, डल गया। आओ आओ जल्दी से, मैं सिल देती हूँ। ये लो। करके पंचन लगा रही हूँ पर नाहर है कि मेरी मेहनत देखने की जगह रूही का फ्रेंडशिप बैंड देख के मुस्कुरा रहा है। जैसे रूही को कुछ हुआ, आई होप कि रूही ठीक हो। मुझे रूही से बात करनी होगी।